पंथी नर्मदा नदी में गिरी बस, 1300 हुए बरामद। इंदौर खारगोन के बीच हुआ हादसा, रेस्क्यू टीम बोली अब तक कोई जिंदा नहीं मिला। गृह मंत्री का दावा है कि 15 को बचाया गया। लगभग 40 यात्री थे बस में सवार। केरल में मंकी पॉक्स के एक और केस की पुष्टि हुई है, देश में दूसरा मामला। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि कन्नूर में 31 वर्षीय शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है, उन्हें परियाराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सतना के जैतवारा खुटा स्टेशन के बीच गलबल गांव के पास चलती हुई मालगाड़ी के डब्बे हुए अलग, बड़ा हादसा टला। महान साधक, समाज सुधारक और राजसेवक पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की 98वीं जयंती पर सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसके बाद प्रसाद के रूप में वृक्ष का किया गया वितरण। प्रिय सतना वासियों, आपके शहर में आ रही है मेदांता अस्पताल गुड़गांव के डॉक्टरों की टीम। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा पिछले वर्षों की भांति आगामी 6 और 7 अगस्त यानी शनिवार और रविवार को सरस्वती शिशु मंदिर कृष्णनगर सतना में होगा मेदांता अस्पताल शिविर। नमस्कार, मैं मनीषा सिंह आपके सामने फिर एक बार एक बहुत अच्छी सूचना देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। हमारे यहाँ पंडित गणेश प्रसाद में सेवा न्यास द्वारा एक हेल्थ कैंप लग रहा है, जो 8वां हेल्थ कैंप है, मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ चेकअप कैंप है। इसमें वेदांता गुरुग्राम के डॉक्टर्स की टीम सतना आ रही है। इसमें कई डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और रेस्पिरेटरी। सुविधाएं क्या क्या दी जा रही है इसमें, विशेषकर ये सुविधाएं दी जा रही है कि आपके जो प्राइमरी चेकअप्स होते हैं, जैसे ECG, BP, शुगर, चेस्ट एक्सरे, PFT, बोन डेंसिटी टेस्ट, ये सब आपको मुफ्त में दिया जा रहा है। लेकिन इसका पंजीयन शुल्क 100 रुपये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक से पुख्ता कर पाएँ और हमारे भीड़ को हम कंट्रोल कर पाएँ। नागौर में बाइक और कार की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार युवक की हुई मौत। घटना मढ़ी मोड़ के टक्कर के बाद पलटी कार, कार में सवार कई लोग हुए घायल। छिंदवाड़ा में आम नागरिकों एवं गौ माताओं को दुर्घटना से बचाने हेतु लगाए गए गायों के सींग में रेडियम, समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया की अनुकरणीय पहल। मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया, यहाँ जिला छिंदवाड़ा में मानव सेवा गौ सेवा बेटी बचाओ पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में हम लोग कार्य करते हैं। जैसा कि अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, इन दिनों पर गौ माताएं रोडों पर बैठती है क्योंकि आसपास की जमीन गीली होती है और रोड इन्हें सूखी मिलती है। इस कारण ये गौ माताओं के बैठने के कारण आम नागरिक रात बिरात इन गौ माताओं से टकरा रहे हैं। पुलिस ने जिला भिंड में घर में घुसकर डकैती डालने वाले 3 सातिर बदमाशों को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच व थाना गोला का मंदिर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नगर निगम मुरैना के महापौर एवं 47 वार्ड पार्षदों का चुनाव हुआ संपन्न। इसके बाद कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन के निर्देश में मतगणना की तैयारियां जोर शोर। ग्वालियर पुलिस का एक और सराहनीय कार्य देखने को मिला, जब पत्रकार संदीप शुक्ला का मोबाइल अचानक उनके कार्यालय से गायब हुआ, तब उन्होंने ग्वालियर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह मवाई से किया संपर्क और अपनी आप बीती सुनाई। तत्पश्चात बलवीर सिंह मवाई ने अपने संज्ञान में लेकर अपने सहयोगी हितेंद्र शर्मा साइबर सेल के साथ त्वरित कार्यवाही कर मोबाइल को ऑनलाइन होने का किया इंतजार। जैसे ही 2 दिन बाद मोबाइल ऑनलाइन हुआ, तुरंत बलवीर सिंह ने उससे वॉइस कॉल के माध्यम से थाने में मोबाइल जमा करवाने के सख्त निर्देश दिए। ग्वालियर पुलिस ने चैन लूट करने वाले 2 सातिर लुटेरों का किया गिरफ्तार। लूटी गई सोने की चैन व घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक भी हुई बरामद। हर घर तिरंगा अभियान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट भवन में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में हुई संपन्न, संबंधित अधिकारी रहे मौजूद।